ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके ही YouTube चैनल और WhatsApp ऑडियो चैनल पर, जहाँ पे आपको हर दिन ये वरदान मिलते हैं और अगर कभी मिस भी हो जाते हैं तो आपको वो फिर से रिकॉर्डिंग करके आपके पास में पहुँच जाते हैं। और ज़्यादातर ना मिलने का कारण होता है बैड इंटरनेट या मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो आई होप अभी तक आप इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो एक थम्सअप दीजिएगा या एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी महसूस हो कि हाँ ये चीज़ सुननी इम्पोर्टेंट है, और तभी लाइक करेगा जब आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है सुनने के लिए। तो देखें, आज परमपिता परमात्मा हमें फराग दिल बन करके कैसे हम कैसे किसी की मदद करें, हम कैसे मर्सीफुल बने, हम कैसे दयावान बने, दयालु बने, इसके बारे में कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं फराग दिल बन। फराग दिल मतलब बहुत बड़ा विशाल दिल, दिल मतलब बड़ा दिल तो नहीं, साइज की बात नहीं हो रही, फीलिंग्स की बात हो रही है। फराग दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भवा। परमात्मा रहमदिल और हम क्या मन के उनके बच्चे अगर हो गए, उनकी क्रिएशन हो गए, तो हम मास्टर रहमदिल। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, धन दौलत नाम मान शान पोस्ट पोजीशन हर चीज मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि इस दुनिया में है ही नहीं। फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप खुशी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम हैं ही नहीं फिजिकल। अगर मैं एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा है, जो कि एक चैतन्य शक्ति है, इनविजिबल है, क्वांटम एनर्जी है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है, जो कि इस फिजिकल भौतिक पांच तत्वों की दुनिया से अलग है। तो आप ये पांच तत्वों की दुनिया में आप हो ही नहीं, इस दुनिया के बने तो आप कैसे ढूंढ सकते हो? अगर आप शरीर होते तो हाँ, शरीर की दुनिया में आपको सुख शांति मिलता, लेकिन अगर आप आत्मा हो, इस शरीर की दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपकी खुशी अलग है, नॉन फिजिकल है, बिकॉज खुशी को आप छू नहीं सकते। तो आपकी खुशी नॉन फिजिकल है, लेकिन आप छूने वाली चीज़ों में, प्राप्ति करने वाली चीज़ों में, देखने वाली चीज़ों में, सूंघने वाली चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में, सुनने वाली चीज़ों में, नाम मान शान मेरे को मिला कि नहीं मिला, इनमें आप खुशी ढूंढ रहे, तो आपको कैसे मिलेगी? 100% नहीं मिलेगी। एक दिन रहेगी, अगले दिन नहीं रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट खुशी की, परमात्मा बात करें कॉन्स्टेंट खुशी की। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो मेडिटेशन के द्वारा। अपने स्व के ओरिजिनल स्वरूप से, नॉन फिजिकल स्वरूप से कनेक्शन करवा देना ही खुशी है। और परमात्मा जो कि नॉन फिजिकल है, पराभौतिक है, क्वांटम सोर्स एनर्जी है, इन्फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन्फाइनाइट क्रिएशन है, इन्फाइनाइट रियल्म है, वहां से कनेक्शन हो गया तो आप अनंत सागर से, खुशी के सागर से कनेक्ट हो जाओगे, तो आप दुनिया में खुशी नहीं ढूंढोगे इतनी। फिर परमात्मा कहते हैं खुशी की अनुभूति करा दो, तो ना दिल तो वे दिल से दुआएं देंगे, आप दाता के बच्चे ही, तो फराग दिल से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो और उपे रहम आए। लेकिन हम खुद ही अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपने प्राप्ति में व्यस्त हैं, तो परमात्मा कहते हैं आप किसी की मदद कैसे करोगे? कल के वरदान में एंजल बनना, फरिश्ता बनना। फरिश्ते को कोई चीज़ से रिश्ता नहीं है, वो कहीं बंधनों से फंसा नहीं होता, इसलिए वो हर चीज़ की, हर किसी की हेल्प कर देता है। फरिश्तों को ज़्यादातर फीमेल फॉर्म में दिखाते हैं, लेकिन फरिश्ते आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं, चाहे मेल फॉर्म में चाहे फीमेल फॉर्म में। फीमेल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि भावना, उनके अंदर भावना होती है मदद करने की, उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं उनके प्रति, वो निर्दयी नहीं होती हैं, इसलिए फरिश्ते को फीमेल फॉर्म दिखाते हैं। लेकिन आपके अंदर भी वो फीलिंग हो सकती है, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे स्त्री के शरीर में हो। तो परमात्मा कहते हैं रहम दिल के गुण को इमर्ज करो, कभी भी ये नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है, बहुत ट्राई कर लिया, अरे बहुत बोल दिया, अरे नहीं इनको नहीं सुनाएंगे, इनको क्या, यह हमारा अभिमान है, यह हमारा अभिमान है जो हमारे बीच में और उनके बीच में आ रहा है, उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। सोचिएगा जरा, भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है, आपको गाली भी दे, आपके हंसी मजाक उड़ाए, तब भी रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है, इसलिए आपको यह पहचानना होगा कि हाँ सच्ची में ये इंसान के अंदर बीमारी है, इसको सच्ची में पता नहीं है कि सच्ची खुशी क्या है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस करी है, और आपने तभी एक्सपीरियंस करी क्योंकि आपने मेडिटेशन में अपने पराभौतिक स्वरूप और परमात्मा के पराभौतिक स्वरूप से आपने कनेक्शन किया है, तो आपको फीलिंग है, तो आप चाहोगे कि हर किसी को ये फीलिंग मिल जाए। जब खजाना मिलता है, आप चाहते हो हर किसी को खजाना मिल जाए, राइट, फैमिली मेंबर्स को, तो आपको जब खजाना मिला, आप चाहोगे कि औरों को भी खजाने की फीलिंग आए, तब जाकर के ही आप कह सकते हो कि हाँ मुझे इस पर रहम आ रहा है। आपको सच्चा रहम तब आएगा, आपको अभिमान नहीं आएगा।
तो परमात्मा कहते हैं कि यह रहम दिल बनना बहुत जरूरी है। कैसे बने? इसके लिए आप आइए, क्योंकि आपका ही हीलिंग होगा इसमें। रहम दिल बनना मतलब खुद की पहले हीलिंग, फिर औरों को हील करना। खुद बीमार तो औरों को क्या बीमारी से हटाएंगे। तो रहम दिल बनना खुद की अंदर की हार्ट की एनर्जीज को प्योरीफाई करना, जो कि हम ब्रह्मा कुमारी से सीखते हैं, आप भी सीख सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।